ओए हाय हीरा, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं आप पहन में। तो हस्बैंड के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे, तो ये रहा घर। और देख रहे हैं ये डाइनिंग एरिया है, और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे किचन में। देख सकते हैं छोटा सा ही है बट काफ़ी व्यवस्थित है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। काश हमारा भी एक ऐसा घर होता, और सभी लोगों को शायद ऐसा ही घर पसंद होता है कि छोटा सा ही हो और हर कुछ अच्छे से अरेंज हो, हर सुख सुविधा हो उस घर में। और यहाँ पे एक छोटा सा पूजा रूम बनाया गया है, मतलब छोटा एरिया में कितने अच्छे से एडजस्ट करना है हर कुछ। मकरतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ये रहा फर्स्ट रूम, तो देख रहे हैं कितना अच्छा है बट थोड़ा सा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और ये रहा बालकनी, तो बालकनी का भी व्यू देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ से निकलने के बाद जस्ट इसके बगल में ही है दूसरा रूम, तो इस साइड में एक वॉशरूम दिया हुआ है, कॉमन वॉशरूम है वो। और ये रहा दूसरा रूम जहाँ पे एक्सरसाइज का भी सामान है, और इसमें अटैच बाथरूम है, यानी टोटल इसमें तीन बाथरूम दिया हुआ है। तीन रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, काफ़ी परफेक्ट है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पसंद आया कि नहीं ये घर ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से चलते हैं तीसरे रूम में, और यहाँ से एंट्री हो गया, ये अटैच बाथरूम था साइड में। और ये रहा तीसरे रूम का लुक, अच्छा लगा ना? तो मुझे तो बस ऐसा ही घर चाहिए, काश मेरा भी ऐसा ही घर हो फ्यूचर में। ये है मेरा रूम, फिलहाल मेरा ही है। ये देखिए मिशनी की सुबह सुबह काढ़ा पी रही है। नहीं, काढ़ा पीते हुए। आज मुंबई में हम लोगों का दूसरा दिन है, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई, पूजा भी कर ली हूँ, अभी काढ़ा पी रही हूँ। उसके बाद हम लोग रसगुल्ला बनाएंगे, फिर घूमने जाएंगे। घूमने कहाँ का जाना है? मरीना बीच, जू बीच, और पता नहीं कहाँ जाना है। जहाँ भी जाएंगे आप लोग को साथ में लेके जाएंगे। पोज बुक कर दिया। चीयर्स काढ़ा के साथ। मुंबई में बहुत बहुत हवा चलता है और बहुत धूप आ रहा है, यहाँ गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम लोग हैं नीचे गार्डन में,
रात हो गया है तो ज्यादा कुछ तो दिख नहीं सकता है, बट फिर भी सब लोग चले गए तो हम भी चलते हैं। कितना खूबसूरत है गार्डन। थोड़ा सा हम लोग बैठेंगे क्योंकि चल चल के बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम ओह नो, हाँ।